बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। अगर आपको मेडिसिन एज अ करियर चूज करना है तो किस तरह से चीजें रहेंगी, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन टुडे। वी आर नॉट हियर टू टेल यू यूनिवर्सिटी ए, यूनिवर्सिटी बी, बट वी आर हियर टू टेल यू हाउ टू टेक योर ओन डिसीजन। अपना रिसर्च कैसे कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डू यू रिक्वायर and how you will plan to become a licensed doctor in India. So how important are these license examination? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चाहे आपको इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, चाहे गवर्नमेंट में मिले, चाहे प्राइवेट में मिले, बट क्या आप एक्चुअल डॉक्टर बन पाओगे? Will you become a NMC registered doctor? That's a biggest question. ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से आपने लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू ट्राई इग्नोरिंग इट, इट्स अ बिग चैलेंज। सो मेडिसिन इज अ लॉन्ग करियर एंड रिक्वायर्स प्लानिंग राइट अप टू PG। यस, करियर प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। 21% is not aware and require support from Moksh will help you with, and 7% says nahi abhi तो हम MBBS का सोचेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो वही जो 7% है, just for their information, what is going to happen with them ये हम जानेंगे, because without clearing this centralized exit examination for MBBS, nobody in India can now become a doctor। पहले क्या था, जो बच्चे अब्रॉड जाते थे MBBS के लिए, ओनली दी स्टूडेंट्स हैड टू गिव द लाइसेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट में पढ़ते थे उनको किसी भी प्रकार की एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी। अब क्या हो गया, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, एवरी स्टूडेंट has to appear a common exit examination called as the NEXT. So this is going to be very, very important for each one of you to understand. So this is a clarity which each one of you to understand. Okay, Omkar पूछ रहे सर, इंडियन डॉक्टर अमेरिका में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसके रूल्स रहते हैं, हर कंट्री में खुद की लाइसेंस एग्जाम होती है। इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब उन्होंने अमेरिका में PG किया हो, और अमेरिका में PG करने के लिए पहले साल से, फर्स्ट ईयर से एक एग्जाम देनी पड़ती है जिसका नाम है USMLE। उसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से करनी है और MBBS के पैरेलल वो एग्जाम्स देनी है। उसके बाद PG करना पड़ता है अमेरिका में, एंड ओनली आफ्टर दैट ओके। So please understand this particular slide because this is what is going to clear a proper comparison between medical process in India or abroad. ठीक है Ikra, regarding specific scores or कौन से colleges मिलेंगे, you can connect with my counselors, they will let you know based on your marks आपको कहाँ मिलेगा, कौन से attempt में क्या होगा। We will speak that, पर आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आपके मार्क्स के हिसाब से इंडिया में एडमिशन बेहतर रहेगा या अब्रॉड जाना है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि कंसेप्चुअली अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, PG कहाँ से करना है, सुपर PG कहाँ से करना है, ये चीजों को समझ लो पहले। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसको आप समझ लेना अच्छे से, इससे आपको 3 फायदे होने वाले हैं। फायदा नंबर 1, आपके बहुत सारा पैसा बचेगा इफ यू अंडरस्टैंड अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, PG कहाँ से करना है और सुपर PG। जरूरी नहीं है ये सब कुछ एक कंट्री से करना होता है। दूसरा, अपने लाइफ के बहुत सारे इयर्स आप बचा लोगे। एक ऐसी सिस्टम में रुक के जहां पे बहुत टाइम पास होता है, उससे अच्छा लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो कहां से क्या करना है वो आपको समझना है। और तीसरा पॉइंट है, जो आपको फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे फ्रॉड एजेंट्स किस तरह का फ्रॉड करते हैं, उससे कैसे बचना है, वो सब भी आपको अपने आप आइडिया आ जाएगी। ओके, सो ये बहुत सिंसियरली अच्छे से आप समझ लो। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस पूछ लो, बट चीजों को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना। अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से करना है, पीजी कहाँ से करना है और सुपर पीजी कहाँ से करना है, ठीक है। ये तीनों अलग चीज होती है। मुझे कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि सर अगर हम रशिया गए तो सब कुछ वहां से कर आ गए क्या? नो, नॉट जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक ही कंट्री से करना है। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि जो इंडिया में स्मार्ट बच्चे हैं, जो रियली डॉक्टर बनते हैं, जो रियली अपना करियर बनाते हैं, वो करते क्या है। वो सारे बच्चों को एक चीज की क्लैरिटी है कि अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस करना है तो नंबर वन चॉइस होना चाहिए इंडिया, और इंडिया में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो मिनिमम 100 साल, 80 साल, 60 साल पुरानी हो। नए कॉलेज का तो कोई गारंटी नहीं है कब चालू हो जाए, कब बंद हो जाए, ठीक है। सबसे पहला चॉइस होगा इंडिया गवर्नमेंट। अगर इंडिया नहीं मिलता तो ही हम सोचेंगे गवर्नमेंट इन रशिया, यूक्रेन और चाइना, बट ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस, दैट्स इट। अब आप बोलोगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्राइवेट? तो प्राइवेट में आप खर्चा तो देखो 1 करोड़ रुपए आप स्पेंड करोगे और गलती से ये एग्जाम पास नहीं हुए जो डिफिकल्ट रहने वाली है, तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा। कैन यू बिलीव इट? Why you want to spend 1 crore rupees just for plain MBBS? अच्छा, मैसेज आ रहा है बहुत स्टूडेंट्स का कि सर व्हाट अबाउट MBBS फ्रॉम US, कैनेडा? तो जनरली MBBS फ्रॉम US, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया ये भी बहुत महंगा होता है। अंडर ग्रेजुएशन बच्चे वहां से नहीं करते, क्योंकि US में अगर आपको MBBS करना है तो 4 साल का BS, उसके बाद MCAT एग्जाम देनी पड़ती है, उसके बाद MD होता है, तो ये टोटल 8 साल की पूरी कहानी हो जाती है। खर्चा कितना लगता है? 4 करोड़ रुपए लगते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चाहे US हो, चाहे कनाडा हो, दीज आर नॉट द कंट्रीज जहां बच्चे MBBS करने जाते हैं। अच्छा, कुछ एजेंट लोग हैं जो YouTube वगैरह में, Facebook वगैरह में एड्स वगैरह करते रहते हैं, जहां पर आपको कहा जाता है US चले जाइए बट करेबियन आइलैंड से चले जाइए। दैट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है। 6 साल का प्रोग्राम है, मगर करेबियन में जो जेन्यून यूनिवर्सिटीज है, जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, वहां पर CAAM-HP होता है। जो CAAM-HP में अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, उनका खर्चा मिनिमम होता है 70 लाख से 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का खर्चा होता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक। बट देर आर सर्टन ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज जो आपको 30 लाख, 40 लाख, आप बोलोगे मेरा बजट 20 लाख है, वहां पे आपको बोलेंगे ठीक है आ जाइए, 40 लाख से आ जाइए, 50 लाख से आ जाइए। तो ये यूनिवर्सिटीज वहां पर ब्लैक लिस्टेड होती है, तो ऐसे जगह पर आपको नहीं जाना। तो अगर किसी भी एजेंट का फोन आए तो आप उनको पूछो आइलैंड का नाम बताओ। अगर आपको आइलैंड का नाम बोलता है बारबाडोस, तो आपकी घंटी बजनी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। यूनिवर्सिटी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है। अगर वो आइलैंड का नाम बोलते हैं गयाना, फिर भी गड़बड़ है। आइलैंड का नाम बोलते हैं जमाइका, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत केयरफुल रहना है। आप खुद को तो उनको ब्लॉक करना ही है, अपने दोस्तों को भी बोल दो कि ऐसे स्कैमस्टर्स को कभी एंटरटेन नहीं करना, जो आपके पेरेंट्स के लाइफ टाइम की सेविंग्स खा लेंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो ये क्लैरिटी रखना कि जो स्मार्ट बच्चे हैं उनको एक गोल क्लियर है कि 100% इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज से ही MBBS करना है। अगर नहीं मिलता तो रशिया, यूक्रेन, चाइना सोचेंगे, वरना तो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया। अब आप बोलोगे व्हाट अबाउट पीजी? तो जनरली पीजी इंडिया से बच्चे अवॉइड करते हैं, उसके 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है सीट कम है। अगर 100 बच्चे MBBS में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 10 बच्चों को एमडीएमएस की सीट मिलती है और एक ही बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन बनता है। सो सीट्स आर वेरी लेस। क्यों कम है तो उसका कारण है कोटा सिस्टम। ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा सीट्स कोटा सिस्टम में चली जाती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि 10 में से 9 बच्चों को फिर प्राइवेट कॉलेज में सीट खरीदनी पड़ती है 1 करोड़ रुपए देके। तो पेरेंट्स को एमबीबीएस के लिए तो गवर्नमेंट में एडमिशन ले लेंगे, मगर पीजी के लिए ये प्रॉब्लम आने वाली है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट्स अ वेरी बिग चैलेंज। ओके, सो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग इश्यू। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीजों के लिए। तो प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। ओके, यू नीड टू प्लान थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली कि कहां से क्या करना है। और क्या प्रॉब्लम है इंडिया से पीजी करने का? फोर्थ प्रॉब्लम है स्टाइपेंड। इंडिया में पीजी के दौरान स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है। जितना मेहनत करवाते हैं 24 घंटे 36 घंटे काम करवा के, उतना स्टाइपेंड मिलता नहीं है। और पांचवा प्रॉब्लम है एग्जाम। आपने नीट यहां पर दी, नीट यूजी, कुछ बच्चों का यहीं पे 1 साल का ड्रॉप लग चुका है ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चों का पीजी के दौरान भी ड्रॉप लगता है जो लाइसेंस एग्जाम आएगी तभी। अब इतना कम था क्या कि नीट यूजी, नीट की पीजी जो अभी नेक्स्ट एग्जाम हो गई है, कि गवर्नमेंट ने 3 साल पहले एक और एग्जाम अनाउंस कर दी। अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन बनना है तो नीट सुपर स्पेशलाइजेशन देनी पड़ेगी, तीसरी नीट एग्जाम। जाहिर सी बात है इसमें भी ड्रॉप लगते हैं बच्चों के। तो उस वजह से क्या होता है कि इंडिया में अगर बच्चा सब कुछ करने जाए, अगर ओपन कैटेगरी में रहे या फिर पैसे ना रहे, तो 32 साल के उम्र के पहले सेटल नहीं होता। और अगर एकाध चीज भी प्राइवेट से कर ली तो सिर के ऊपर रहता है 1 करोड़ रुपए का लोन। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो करते क्या है वो आप समझ लीजिए। जो एक्चुअली अपना करियर बनाते हैं वो अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस हमेशा इंडिया से करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, इंडिया ना मिले तो रशिया, यूक्रेन, चाइना, और पीजी के लिए अमेरिका की प्लानिंग करते हैं। तो पहले साल से एक एग्जाम है यूएसएमएलई, इसकी तैयारी करते हैं एमबीबीएस के पहले साल से। अब आप बोलोगे सिर्फ यूएस ही क्यों, और कोई कंट्री क्यों नहीं पीजी के लिए? तो उसके भी 5 रीजन है। पहला रीजन, अमेरिका में पीजी जो होता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 भी रुपया आपको ट्यूशन फी में देना नहीं पड़ता। दूसरा, पीजी के दौरान 3 से 4 लाख रुपए का स्टाइपेंड आपको मिलता है। तीसरा, जो सिलेक्शन रेशियो है वो इंडिया से काफी बेहतर है, हर 2 में से 1 बच्चे को एडमिशन मिलता है। चौथा, किसी भी प्रकार का कोटा सिस्टम वहां पर नहीं होता। और पांचवा, जैसे इंडिया में आपको एग्जाम के ऊपर एग्जाम देनी पड़ती है, यूएस में ये यूएसएमएलई की जो सीरीज है, ये एग्जाम्स अगर आप दे देते हो, इसी के बेसिस पे पीजी और सुपर पीजी में एडमिशन मिलता है। इस वजह से जो मोक्ष के स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना से गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं और पीजी अमेरिका में करते हैं, वो 27 साल की उम्र में सेटल होते हैं और बैंक बैलेंस पॉजिटिव 1 करोड़ का होता है। तो ये क्लैरिटी आप सबको रखनी है, ये क्लैरिटी आप सबको रखनी है। एब्सोल्युटली मंताशा, वही मैं कह रहा हूं, पीजी इंडिया से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज, सॉरी एमबीबीएस, और पीजी यूएस से करनी है। एग्जैक्टली मंतशा अंसारी, वही मैं कह रहा हूं आपको। मगर आप कहोगे अभी कॉलेज कैसे पता चलेगी कौन सी कॉलेज सही है? आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कॉलेज सही कॉलेज होती है? तो वो रिसर्च आपको खुद करनी है। कैसे करनी है, कैसे करनी है, तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो आपका बजट क्लियर रखो, उस हिसाब से आपको क्लियर रहेगा कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन इंडिया है या यूएस है। यूएस में फ्री पीजी करना है कि इंडिया में चांस लेना है, अगर लग गया तुक्का तो ठीक है, वरना 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो आप क्लैरिटी रखो, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो। मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, ये बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट. तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलने के लिए एक ही बेस्ट वर्ल्ड का टूल है, वो है WDOMS, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेड स्कूल. अब आप बोलोगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देख लो, इवन इंडिया में 517 जो कॉलेजेस है उसमें से सिर्फ 350 कॉलेजेस है जो वर्ल्ड डायरेक्टरी में अप्रूव्ड है और ECFMG अमेरिका में अप्रूव्ड है. अगर आपने ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जो वर्ल्ड डायरेक्टरी और ECFMG में अप्रूव्ड नहीं है, तो आपको फ्री में पीजी करने का मौका नहीं मिलेगा. पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए तैयार रखने पड़ेंगे. तो जब आप मेडिकल कॉलेज चूज करते हो, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, उसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत सिंपल है, वर्ल्ड डायरेक्टरी पे जाना है, wdoms.org. आपकी मेडिकल स्कूल फाइंड करनी है. ये फाइंड करना है कि कितना एक्सपीरियंस है वो कॉलेज को सिखाने का. क्या मिनिमम 80 टू 100 ईयर ओल्ड है? तो आई एम इन सेफ हैंड्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को बनाया है. मगर फ्रॉड एजेंट क्या बताते हैं? जो कॉलेज कल खुली है, परसों खुली है, 1 साल पहले खुली है, 2 साल पहले थी, जिन्होंने एक भी डॉक्टर नहीं बनाया, ऐसी कॉलेज आपको रेकमेंड करते हैं फ्रॉड एजेंट, क्योंकि उनको ये सब करने के पैसे मिलते हैं. क्योंकि गारंटी नहीं है आगे जाके डॉक्टर निकलेगा वो कॉलेज का कि नहीं, इसलिए ये सब चीटिंग होता है. तो कॉलेज अच्छे से ढूंढनी है, कॉलेज फाइंड करनी है. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट्स योर क्वेश्चन साक्षी? यू कैन टाइप इट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर. ऑलराइट, आप कैसे ढूंढोगे आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है? तो आपको मैं एक लाइव डेमो बना दे रहा हूँ. ये वेबसाइट है वर्ल्ड डायरेक्टरी, wdoms.org. यहाँ पर आप सर्च बटन दबाओ तो वर्ल्ड की सारी कॉलेजेस का सारा कच्चा चिट्ठा बाहर आ जाता है. अब आपको ढूंढना है कि कॉलेज जहाँ पे अप्लाई करना है वो कितनी पुरानी है, क्या वो अमेरिका में रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं है. तो कैसे ढूंढना है? एग्जाम्पल मैं बॉम्बे सिटी देखता हूं, यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं. अब मैं चेक करता हूं, ग्रैंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, नो प्रॉब्लम. पहली बात बढ़िया है, प्राइवेट नहीं है. कितना पुराना है? 1845, ऑलमोस्ट 150 साल पुराना है. क्या यह यूनिवर्सिटी अमेरिका में अप्रूव्ड है? कैसे चेक करेंगे? स्पॉन्सर नोट्स पे बटन दबाएंगे. अगर अप्रूव्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आग बंद करके यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है, परफेक्ट यूनिवर्सिटी. बट अगर मुझे रिसर्च करना नहीं आता हो, अगर मैंने मोक्ष का वेबिनार अटेंड नहीं किया होता, तो मेरे से क्या गलती हो जाती? वापस बता देता हूँ, ये बॉम्बे है, कॉलेज का नाम दिख रहा है. कितने लोगों ने ये कॉलेज के बारे में सुना है या नाम सुना हुआ है? कूपर हॉस्पिटल, हैव यू हर्ड अबाउट कूपर हॉस्पिटल? कितने लोगों ने सुना है? रेमीन, आपको बेस्ट ऑप्शंस अब्रॉड के मिल जाएंगे, आप काउंसलर्स के टच में रहिए, मोक्ष के, ठीक है. तो अगर ये कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया, ये भी तो गवर्नमेंट है, मगर 2015 में चालू हुआ है, तो क्या इस कॉलेज को एक्सपीरियंस है कोई डॉक्टर बनाने का? सो फार नहीं, एक बैच भी नहीं निकला. तो क्या ये कॉलेज अमेरिका और कनाडा में अप्रूव्ड है? नो. तो अगर किसी को USMLE करना है और पीजी फ्री में करनी है, वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे को बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे इंडिया की पीजी के सीट के लिए, या फिर पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए तैयार रखने पड़ेंगे पीजी के एडमिशन के लिए, क्योंकि फ्री का पीजी तो इन बच्चों को नहीं मिलेगी. तो चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, आपको आपकी कॉलेज अच्छे से ढूंढनी है वर्ल्ड डायरेक्टरी में. एम आई मेकिंग सेंस? तो पूछ रहे रशिया, यूक्रेन, यू हैव द टूल टू सर्च. एम्स दिल्ली वेरी मच अप्रूव्ड, UMSA पोल्टावा वेरी मच अप्रूव्ड. यूक्रेन जो बच्चा जाना चाहता है और फ्री में US पे पढ़ना चाहता है, रशिया, पिरोगोव very much approved. Belarus, Vitebsk, very much approved. But what is happening? Unfortunately, बहुत सारे बच्चे YouTube चेक करते हैं, Instagram चेक करते हैं, and वहां पर उनसे फ्रॉड हो जाता है. ओके तो आपको वो फ्रॉड से बचना है. फ्रॉड से बचने के लिए अपना रिसर्च खुद करो, वरना इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आपको बोला जाता है बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, 200 साल पुरानी है. रियलिटी क्या है? यहाँ पर जो एडमिशन लेगा उसके पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए रेडी रखने पड़ेंगे. तो ये रिसर्च जरूरी है. अच्छा, बहुत जनों को बोला जाता है जॉर्जिया चले जाओ, जॉर्जिया तो यूरोप ही है. रियलिटी क्या है? यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है यूएस और कनाडा में. अच्छा, नाम ही अमेरिकन रख देते. साउथ इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है. बच्चे बच्चे बोलते कि हमें यहीं पे जाना है, टक्सिला अमेरिकन, बट ये यूनिवर्सिटी अमेरिका में ही अप्रूव्ड नहीं है. यूपी बिहार में बच्चे यहाँ जाते हैं, किर्गिस्तान, यूनिवर्सिटी अमेरिका में अप्रूव्ड ही नहीं है. तो आपको आपका रिसर्च खुद करना है. लवीव मेडिकल इंस्टीट्यूट यूक्रेन, नॉट अप्रूव्ड. लवीव प्राइवेट होता है, लवीव गवर्नमेंट होता है. गवर्नमेंट वाला लवीव अप्रूव्ड है, प्राइवेट वाला अप्रूव्ड नहीं है. तो आप अच्छे से रिसर्च करिए जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, क्या वो यूएस और कनाडा में अप्रूव्ड है? वरना पेरेंट्स को 1 करोड़ रुपए तैयार रखने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में तो पीजी सीट बहुत मुश्किल से मिलती है. तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है. सो पायल, आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि इंडिया से अगर एमबीबीएस करना है तो कहाँ से करना है. अगर आपको अमेरिका अल्टीमेटली जाना है तो इंडिया की टॉप नॉच कॉलेजेस कौन सी है जहां से मैक्सिमम बच्चे यूएस में फ्री पीजी के लिए जाते हैं? एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, ओस्मानिया, वीएमएमसी, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज बड़ौदा, जीएमसी मुंबई, एएफएमसी पुणे, सीएमसी वेल्लोर. यहाँ के बच्चे मैक्सिमम एमबीबीएस के बाद यूएस पीजी के लिए, फ्री की पीजी के लिए जाते हैं. तो हर कंट्री में ऐसी कुछ कॉलेजेस होती है जहां से आप पढ़ोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रशिया कोई जाएगा तो पिरोगोव नंबर 1, कजान स्टेट मेडिकल नंबर 1, क्रीमियन फेडरल नंबर 1, सेचेनोव. तो आपको इस तरह से रिसर्च करना है कहां से जाने से आपके चांसेस बढ़ सकते हैं. यूक्रेन में अगर चले जाए तो उम्सा पोल्टावा नंबर 1, लवीव गवर्नमेंट वाला नंबर 1, विनित्सा नो प्रॉब्लम, बुकोविनियन नो प्रॉब्लम. तो एवरी कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटी होती है जहां पर जाओगे तो करियर आपका बन जाएगा. तो अपना रिसर्च अच्छे से आपको करना है. और अगर आपका बजट कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है तो माइट एज वेल गो टू कैरेबियन, जहां से मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिलता है. इंडिया की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए देने से अच्छा कैरेबियन की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल एसजीयू, यहां पर आपका बजट होना चाहिए 2.5 करोड़. तो 2.5 करोड़ बजट है तो एसजीयू इज अ बेटर ऑप्शन. रॉस 2 करोड़ बजट, एयूसी 1.75 करोड़ बजट, ओके, और एवलॉन है 1 करोड़ बजट. अगर बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ही इंडिया का है तो माइट एज वेल गो टू कैरेबियन इन अ रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज विच इज अप्रूव्ड बाय CAAM-HP. CAAM-HP का अप्रूवल बहुत जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू डू योर ओन रिसर्च. Find out the country, find out the university. Ultimately, decision is yours. We will just give you options and the right research tools. We will provide you with the right research tools. ठीक है? But ultimately, चाहे आपको इंडिया में एडमिशन मिले, अब्रॉड में एडमिशन मिले, एक चीज तो सबको क्लियर है that we have to ensure that all of us are going to be in the same target of becoming a licensed physician. ठीक है, बहुत जरूरी है सब बच्चों के लिए to understand this very, very clearly. All right. This is very important for each one of you to ensure your entire plan is very, very clear. ठीक है, whether to join license exam coaching or not, it's your choice, because आप किसी रोड साइड एजेंट के पास जाओगे, he is not interested, वो कहेगा important नहीं है, but ultimately you do not get a license to practice if you are not going to start preparing for either the next or USMLE from first year. And believe me, there are about 8 to 10 different countries and thousands of students currently on the Moksh platform who are preparing for next and USMLE with us. So you have that chance to prepare from first year. आप फर्स्ट ईयर से आइदर नेक्स्ट आइदर यूएसएमएलई इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म. ऑल यू रिक्वायर इज द राइट टाइमिंग एंड राइट अपॉर्चुनिटी. आई होप इट इज मेकिंग सेंस, बिकॉज अल्टीमेट आपका गोल क्लियर रखो. व्हाट इज योर गोल? फर्स्ट ईयर से आपको लाइसेंस डॉक्टर बनना है या बिना लाइसेंस भी चलेगा, एज लॉन्ग एज हाथ में सिर्फ नाम की आ रही है, चाहे उससे काम करने मिले ना मिले चलेगा. दैट इज समथिंग विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, वेदर यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर विच इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट. 90% ऑफ यू आर वेरी वेरी क्लियर कि यस फर्स्ट ईयर से तैयारी करनी है. जो 30% सीरियस नहीं है, दे विल डेफिनेटली रियलाइज. Ritik, it is very much approved, not a problem. You can be in touch with our counselors. They will let you know. Absolutely, English medium only, Karuna. Don't worry. Why prepare from first year? That is also very important. होता क्या है, जो मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर बच्चे पढ़ते हैं, from first year they prepare for module wise एग्जाम. मॉड्यूल 1 प्रिपरेशन करने से व्हाट दे लर्न इज पेशेंट ओरिएंटेड स्किल्स, व्हाट दे लर्न इज क्लिनिकल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट बाय द टाइम दे रीच थर्ड ईयर दे अपीयर द फर्स्ट यूएसएमएलई स्टेप एग्जामिनेशन. वंस दे अपीयर द थर्ड ईयर यूएसएमएलई स्टेप एग्जामिनेशन, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या प्रिपरेशन लेवल है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम काफी इंप्रूव हो जाता है. बिकॉज इफ योर एनाटॉमी इज स्ट्रॉन्ग, यू विल डू वेल इन सर्जरी. इफ योर फिजियो पैथो फार्मैक इज स्ट्रॉन्ग, बाय डिफॉल्ट यू विल डू वेल इन मेडिसिन सब्जेक्ट्स. एंड आफ्टर क्लियरिंग द नेक्स्ट वन एग्जाम, इन द इंटर्नशिप योर पीपल अपीयर द स्टेप 2 CKCS of USMLE, then go for rotations and match, and after graduation do their PG in America. By following the Moksh methodology की, चाहे इंडिया में पढ़ो अब्रॉड पढ़ो, फर्स्ट ईयर से day 1 से मोक्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लो. इससे फायदा क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू सेव 3 to 4 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. अदरवाइज आप दिल्ली के गौतम नगर में चले जाओ, जो फ्रॉड एजेंट के चक्कर में फंसे हुए बच्चे जो जॉर्जिया गए थे, फिलीपींस गए थे, ऐसे 25,000 बच्चे मिलेंगे जो आज भी कोशिश कर रहे हैं लाइसेंस एग्जाम क्लियर करने की, कर नहीं पाए. क्यों? क्योंकि एजेंट ने बोला था उज्बेकिस्तान चले जाओ, एजेंट ने बोला था मॉरिशियस चले जाओ, एजेंट ने बोला नेपाल चले जाओ, एजेंट ने बोला जॉर्जिया चले जाओ, एजेंट ने बोला लाइसेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद सोचना. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द ओनली रीजन आई कैन टेल दैट मोस्ट स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इज बिकॉज they are on a digital platform for global medical student, जहां पर 8 different country के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं from first year. तो चाहे आपको इंडिया में एडमिशन मिले abroad में मिले, you don't have to worry, because आपको एक चीज की क्लैरिटी है कि हम लाइसेंस डॉक्टर बनेंगे. और अगर यूएस सेटल होना है तो यूएसएमएलई की प्रिपरेशन, इंडिया करना है तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन, बट उसकी शुरुआत फर्स्ट ईयर से होती है. तो मोक्ष एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, वेदर यू टेक एडमिशन इन इंडिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना, इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यू आर क्लियर दैट यू विल बी हैविंग अ मोक्ष प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पर्सनलाइज स्टडी सेटिंग, आपके लाइव लेक्चर होंगे जहां पर प्रोफेसर्स आपको सिखाएंगे, कंसीडरिंग द टाइम जोन आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, टू सॉल्व, आपके पास वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स ऑफ लॉट ऑफ फैकल्टीज जो आपको सिस्टमैटिकली सारे सब्जेक्ट्स टीच करते हैं. तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव विद मोक्ष. व्हेन यू वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप कोई रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट कर सकते हो, कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो. So this is how you have the entire curriculum. You have the entire study materials, e-books, question bank, सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है. More importantly, जो लाइसेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी है, पेशेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बाय ऑर्गन सिस्टम, बाय सब्जेक्ट्स, ये सब आपको फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस से सिखाया जाता है ऑन द मोक्ष प्लेटफॉर्म. एंड दैट इज व्हाई आवर सक्सेस रेट हैज बीन द हाईएस्ट. आइडिया इज वेरी क्लियर. आप जब भी एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाओ तो आपको क्लियर पिक्चर होना चाहिए हाउ प्रिपेयर्ड यू आर. सो आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर टेल्स यू आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, कौन से में वीक हो, एंड हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड. ओके, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई पीपल प्रेफर द मोक्ष प्लेटफॉर्म. कि जो मेडिसिन का करियर ही लंबा करियर है, डोंट ओनली थिंक विद एडमिशन. कॉलेज एडमिशन तो हो जाएगा, एजेंट आपको यही चीज बहुत बड़ा बता के बताता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है. रियलिटी क्या है? एमबीबीएस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, तो मैराथन है. अगले 8 से 10 साल की प्लानिंग है. तो ऐसे कैसे रैंडमली एजेंट की बातों में आके ले ले. कॉलेज एग्जाम का क्या, अगर लाइसेंस एग्जाम ही नहीं पास किया तो डिग्री कैसे मिलेगी? और अगर यूएसएमएलई की तैयारी नहीं की तो 1 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे पीजी के लिए? ये सारे क्वेश्चंस को भी आपको समझना है, अच्छे से रिसर्च करना है. बहुत सारे रिसर्च टूल्स मोक्ष आपको प्रोवाइड करेगा, सो दैट आप डिसीजन लो आपके करियर के हिसाब से. यू शुड लिसन टू एवरीवन बट डिसाइड ओनली व्हाट यू फील इज राइट. ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. यू नो, इंडिविजुअल जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं 520 आया है, 340 आया है, 560 आया है, you will definitely get it. Okay, and Russia, you know, our Ministry of Education, you know, in our embassy, basically Indian embassy has released a list. ठीक है, Indian embassy जो है हमारी, उन्होंने एक list release किया है, rating list या ranking on how to select a medical college in Russia. तो टॉप 1-2 के नीचे जाना बहुत रिकमेंडेड नहीं है. आपको ऑलरेडी मैंने लिस्ट बताया था, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो, लेट मी क्विकली शो यू द रेटिंग लिस्ट. ओके, आपको सिर्फ टाइप करना है गूगल में रेटिंग लिस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन रशियन मिनिस्ट्री. इतना आप टाइप करोगे ना तो पूरा गवर्नमेंट ने ये एक लिस्ट निकाला है. तो वो 2 तरह की रेटिंग लिस्ट निकलती है. ओके, नॉट एवरी मेडिकल कॉलेज इन रशिया टीचेस इन इंग्लिश, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, तो डू नॉट सिलेक्ट एनी कॉलेज विच इज नॉट इन टॉप 1, 2, 3, 4. दैट्स इट. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ रैंकिंग्स. पहला रैंकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर. सो कंसिडर सेचेनोव, नो प्रॉब्लम, पावलोव, पिरोगोव और कजान. दैट्स इट. Don't go beyond that because these are all low rank universities. Similarly, there is another ranking by Ministry of Education and Space. यहाँ पर no problem, people, friendship, Crimean Federal. Problem with the 3rd number rank university is, I don't know how they have got this ranking. This is a very new university. I told you we should have at least 80 to 100 years. तो इसलिए ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है. सो बट व्हाट विल हैपन इफ यू गो ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, They will show you Perm, Nizhny, Dagestan. I mean, you see the quality. That is the ranking. And if you want to know reality of such medical colleges, अगर यहाँ पर अगर किसी को भी इंस्टा और फेसबुक सोच के जाना है तो उनके साथ क्या हो सकता है वो फाइंड करना है, तो ये डाल दीजिए, ये वर्ड डाल दीजिए 12 स्टेट मेडिकल और फ्रॉड, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं 3 नंबर 4 नंबर रैंकिंग के नीचे जाऊंगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है. So if you want to really find out whether whichever college you are going, is it worth going or not, simple है, आप ये सर्च कर लीजिए, आपको रियलिटी पता चल जाएगी. Be careful when you are choosing Russia. So connect with my Moksh counselors; they will help you, and you will get the better option of institutions currently open. Because yes, that is a very valid point. ड्यू टू कोरोना टाइमलाइंस बहुत चेंज हो चुकी है, तो कौन से इंस्टीट्यूशंस ओपन है नहीं है वो आपको पता चलेगा. Once submit your documents and you know we will see the availability, because right now that is correct, due to corona and the delayed timeline lot of institutions are now closed, have shut down, okay, their admission cycle for this year. All right, so Rahimeen is saying how to connect. Rahimeen, if you want to connect with our counselors, you call up on this number, you know WhatsApp us on this number, or you can log into moksh16.com and do a one-on-one chat. Okay, you chat on moksh16.com and my team members will be there to help you.